और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कंप्यूटर प्रोग्राम्स का पैकेज होता है जिससे हम डेटाबेस को क्रिएट करते हैं, मेंटेन करते हैं, जैसे कि रिकॉर्ड्स ऐड या डिलीट करना, और इसका यूज़ करते हैं। इट अलाउज ऑर्गेनाइजेशंस टू कन्वीनियंटली डेवलप डेटाबेसेस फॉर वेरियस एप्लीकेशन। कन्वीनियंटली मतलब आसानी से। अ डेटाबेस इज़ एन इंटीग्रेटेड कलेक्शन ऑफ डाटा रिकॉर्ड्स, फाइल्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स। इंटीग्रेटेड कलेक्शन यानी एक साथ जुड़े होना। आइए देखते हैं अब कुछ एग्जाम्पल्स डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, एसक्यूएल सर्वर, फाइल मेकर, ओरेकल। टाइप्स ऑफ डेटाबेस। डेटाबेस के अंदर हम डाटा को दो प्रकार से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, एक तो है फ्लैट फाइल सिस्टम, दूसरा रिलेशनल। फ्लैट फाइल में डाटा स्टोर्ड इन अ सिंगल टेबल, यानी कि पूरा एक टेबल होता है जिसमें हमारा डाटा सेव होता है, और मल्टीपल कॉलम्स होते हैं, यूजुअली सुटेबल फॉर लेस अमाउंट ऑफ डाटा। तो ये वहाँ पे यूज़ होगा जहाँ पे नंबर ऑफ डाटा या नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कम हो। रिलेशनल, डाटा इज स्टोर्ड इन मल्टीपल टेबल्स एंड द टेबल्स आर लिंक्ड यूजिंग अ कॉमन फील्ड। रिलेशनल डेटाबेस के अंदर कई टेबल यूज़ करते हैं और जो डाटा होता है उनको उसी हिसाब से डिवाइड कर देते हैं अलग अलग टेबल में उसकी कैटेगरी के हिसाब से, और सारे रिकॉर्ड्स एक दूसरे से कोई कॉमन फील्ड के थ्रू कनेक्ट होते हैं, लिंक्ड रहते हैं। कॉमन फील्ड जैसे रोल नंबर हो सकता है, कि मल्टीपल टेबल्स में स्टूडेंट का रोल नंबर कॉमन फील्ड हो सकता है। रिलेशनल इज़ सूटेबल फॉर मीडियम टू लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। तो रिलेशनल डाटाबेस वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं जहाँ पे रिकॉर्ड्स ज़्यादा होते हैं या बहुत ज़्यादा होते हैं। डेटाबेस सर्वर्स। डेटाबेस सर्वर्स आर डेडिकेटेड कंप्यूटर्स दैट होल्ड द एक्चुअल डेटाबेसेस एंड रन ओनली द DBMS एंड रिलेटेड सॉफ्टवेयर। डेटाबेस सर्वर मतलब एक कंप्लीट कंप्यूटर को डेटाबेस के मैनेज करने के लिए उसको डेडिकेट कर दिया गया, उसमें कोई और चीज़ नहीं चलेगी। सो इट इज़ होल्डिंग द एक्चुअल डेटाबेस एंड रन ओनली द DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के सॉफ्टवेयर ही उसमें चल रहे हैं। टिपिकली डेटाबेसेस अवेलेबल ऑन द डेटाबेस सर्वर्स आर एक्सेस थ्रू कमांड लाइन और ग्राफिक यूजर इंटरफेस टूल्स। तो इन सर्वर में जब हमें डाटा को एक्सेस करना होता है तो एक दूसरे इंटरफेस के थ्रू, डायरेक्टली उसको हम नहीं एक्सेस करते हैं बल्कि उनको कमांड लाइन यानी कोई कमांड देके या कोई विंडो बेस्ड एप्लीकेशन के थ्रू हम उसको एक्सेस करते हैं। तो जिसके थ्रू हम एक्सेस करें दैट इज़ कॉल्ड फ्रंट एंड, और जो एक्चुअल में जो डाटा हमारा सेव है डाटाबेस के अंदर दैट इज़ कॉल्ड बैक एंड्स। तो फ्रंट एंड और बैक एंड्स का यूज़ करके डाटाबेस में से डाटा को एक्सेस करते हैं। सच टाइप ऑफ डाटा एक्सेस इज रिफर टू एज अ क्लाइंट सर्वर मॉडल। सर्वर यानी कि जहाँ पे डाटा स्टोर है और क्लाइंट जो उसको एक्सेस कर रहा है। एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स में हमें डाटा को कई लोगों के साथ शेयर करना होता है। अगर हम फाइल्स की मल्टीपल कॉपीज़ बना के यूज़र्स को देंगे तो फाइल्स की रिडंडेंसी होगी। डाटाबेस इस सिचुएशन से बचाता है क्योंकि एक ही जगह पर डाटा स्टोर करने से कोई भी चेंज सबको दिखाई पड़ जाएगी। रिडंडेंसी मतलब होता है डुप्लीकेशन ऑफ डाटा। शेयरिंग ऑफ डाटा। डाटाबेस को हम मल्टीपल यूज़र्स के साथ शेयर कर सकते हैं और डिफरेंट यूज़र्स को डिफरेंट लेवल ऑफ ऑथराइजेशन भी दे सकते हैं, यानी डेटाबेस को यूज़ करने का पावर। डेटाबेस को यूज़र्स अपने सिस्टम से ही एक्सेस कर सकते हैं और दूसरे यूज़र के साथ शेयर कर सकते हैं। इंटीग्रिटी का मतलब ऑनेस्टी या एक्चुअलिटी, यानी डेटाबेस इस बात को इंश्योर करता है कि डाटा एक्यूरेट और कंसिस्टेंट हो। क्योंकि डेटाबेस को अलग अलग यूज़र्स एक्सेस करते हैं इसलिए डाटा का कंसिस्टेंट होना ज़रूरी होता है। डाटा सिक्योरिटी। डाटा को केवल ऑथराइज्ड यूज़र ही देख या चेंज कर सकते हैं। इसके लिए यूज़र्स को यूज़र नेम और पासवर्ड दिया जा सकता है। प्राइवेसी। ऑथराइज्ड यूज़र भी केवल वही डाटा देख सकता है जो उससे रिलेटेड होता है। अगर हम ईमेल अकाउंट्स का एग्जांपल लें तो एक यूज़र को मेल एक्सेस करने के लिए यूज़र नेम और पासवर्ड डालना पड़ता है, मगर लॉगिन करने के बाद भी वो केवल अपने इनबॉक्स के ही मेल को एक्सेस कर सकता है, दूसरे का नहीं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ऑटोमेटिक बैकअप टाइम टू टाइम लेता रहता है, और कभी सिस्टम फेलर होने के बाद जब कंप्यूटर दोबारा चलता है तो डेटाबेस क्रैश होने की पहली वाली स्थिति में रिस्टोर हो जाता है। अगला बेनिफिट है डेटाबेस डाटा कंसिस्टेंसी मेंटेन करता है, यानी हर यूज़र को सेम इन्फॉर्मेशन मिलेगी और कहीं भी डाटा चेंज होगा तो सबको इमिडिएटली वो चेंज रिफ्लेक्ट हो जाएगा। रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम इस बात का एग्जाम्पल है। जैसे ही कहीं से सीट बुक होती है तो सबको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाता है।